कोरबा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी व राजस्व मंत्री जयसी अग्रवाल के नामांकन दाखिले को लेकर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा गुरुवार को कोरबा पहुंची। हेलीकॉप्टर के माध्यम से वे एसई से एल के हेलीपैड पर उतरी, जहां कांग्रेस प्रत्याशी जयसी अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी तैयारी पूरी चल रही है, अनुमान यही है कि पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। पिछली बार जो कमी रह गई थी इस बार पूरी होगी, काम किया है, लोग देख रहे हैं, हमारे सभी मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। तैयारी पूरी चल रही है और अनुमान यही है कि पिछली बार से ज़्यादा हम सीटें जीतेंगे। पिछली बार दो चार जो भी कमी रही इस बार पूरा होगा और काम किया है, लोग काम देख रहे हैं और हमारे प्रत्याशी भी सभी लोग मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और हम सीटें जीतेंगे। ऐसा नहीं, देखो सबकी अपनी अपनी जगह होती है, लेकिन सबकी निष्ठा कांग्रेस पार्टी में और हमारे नेतृत्व में है। बदलाव आता है समय समय पर, कहीं कहीं बदलाव होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि किसी का भविष्य खत्म हुआ। मौके मिलते हैं, फिर मिलते हैं, कहीं और मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी में सबका ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने आप में मजबूत है, हमने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति बन जाती है, तो चाहे आप पार्टी है या और पार्टी है अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमारा गठबंधन है वो एक अलग स्तर का गठबंधन है, सबसे बात की जा रही है और बागी तो नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा मन में उनके लगता है कि टिकट कुछ उम्मीदवार टिकट के थे, कुछ MLA थे तो प्रत्याशी पुराने हमारे रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सभी कांग्रेस के परिवार का हिस्सा है। आज के दिन मैंने पहले भी कहा, आज के दिन 5 साल हमारे मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी को पूरे राज्य में वो लीड कर रहे हैं। हमारे दूसरे नेता हैं, सीनियर नेता हैं, सभी ने मिलकर पिछली बार भी चुनाव लड़ा, इस बार भी सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सबका अपना अपना प्रभाव है, अपना इन्फ्लुएंस है, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।